खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। विशाल पटेल के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की ओर और दिखाते हैं उत्तराखंड के वीरेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। खबर 7C न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिमाचल के सुप्रसिद्ध लोक गायक विक्की चौहान जी से। चौहान जी, आप लखवाड़ में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको और किस प्रकार से आप संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा कि मैं लखवाड़ में एक बार फिर से आया हूँ। और मैंने जब उत्तराखंड की धरती पर पहली बार अपने राज्य से बाहर कहीं कदम रखा उत्तराखंड की धरती पर, तो वो जो गाँव था वो लखवाड़ था। लखवाड़ में मैं इस वक्त चौथी बार आया हूं और 2006 से मैं यहां लगातार आ ही रहा हूं हर 3-4 साल के बाद, और इस बार भी मुझे यहां पर बुलाया गया है। और यहां के अगर मैं कार्यक्रमों की बात करूं, इन लोगों ने यहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसकी जो रूपरेखा है, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो डे बाई डे हर साल उन्होंने जो है वो इम्प्रूव किया है। और बहुत ही अच्छे लेवल पर इन्होंने ये यहाँ पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और अच्छा लगता है। मेरे लखवाड़ तो ऐसा है जैसा अपना घर जैसा है, वो बन गया है अब। और मैं जब भी किसी भी मंच पे जाता हूँ तो उत्तराखंड की धरती पे जब भी आता हूँ यहाँ पर, तो लखवाड़ क्षेत्र का जिक्र जरूर होता है। चौहान जी, क्या बताना चाहोगे? आपके कई गाने जो है हिट हुए हैं, उसमें कौन कौन से गाने हैं जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं? देखिए, जितने भी अभी तक मैंने गाने गाए हैं, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो 350 के करीब भी मैंने गाने गाए हैं, तो जिसमें कुछ जौनसारी भी है, गढ़वाली भी है, हिमाचल के तो है ही हैं। तो 350 गाने में करीबन 310-315 गाने मेरे हिट हुए हैं जो हिमाचल के अंदर है। तो अगर उत्तराखंड जौनसार या गढ़वाल या कुमाऊं की बात करूं इस एरिया में भी, तो यहाँ भी गानों के हिट होने की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाने हुए हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया लेवल पे, मैं बात करूँ जैसे झुमके झुमके, चम चमांदे, डाली जुमा, चुड़पुरा, विस्की विस्की, आप सही पकड़े हैं, LP गाड़ी में, ऐसे अनगिनत गाने हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। लोग सुनते हैं, जब भी मंच पे जाते हैं बड़ा प्यार करते हैं। धरती आपके हिमाचल की हो या उत्तराखंड की हो, लोगों ने हमेशा इस गांव के विक्की को विक्की चौहान बना कर रखा है। संस्कृति की यदि बात की जाए तो आगे जो आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें हम क्या संदेश दे सकते हैं और किस प्रकार से संस्कृति बचा सकते हैं? देखिए, संस्कृति बचाने के लिए तो सिर्फ कलाकारों का ही एक सबसे बड़ा सहयोग नहीं होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सरकारें होती हैं या प्रशासन होता है, उन सब का भी कर्तव्य बनता है। सिर्फ कलाकार संस्कृति को नहीं बचा सकता, उससे उम्मीदें की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक आप कहते हो कि भाई मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हमारा यूथ बच जाए, वही एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति हमारे हिमाचल उत्तराखंड के अंदर फैलती जा रही है, इन चीज़ों के ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए। अब आती है बात कि हमारी कला संस्कृति गीत संगीत की बचाने की बात आती है, तो डेफिनेटली जो पुराने गाने हैं उसको पुराने अंदाज में गाए जाएँ, पुराने इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छे लेवल पर गाए जाए। जो नए गाने उसको तो नए तरीके से लोग गा ही रहे हैं, लेकिन उन गानों के साथ छेड़खान ना की जाए। जो पुराने गाने जिन पुराने पुराने कलाकारों ने गाए, अगर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ के कलाकारों की बात करें, उन्होंने बहुत बखूबी जो है 2000 से पहले के गाने गाए हैं, और 2010 से पहले के जो आर्टिस्ट हैं पुराने, उन लोगों ने बहुत अच्छे से गाए। लेकिन अगर नए कलाकार उसको नए रूपरेखा में बदल के किसी और ढंग से उन पुराने गानों को संजोने की कोशिश करते तो संस्कृति के साथ छेड़खानी हुआ। वैसे हिमाचल प्रदेश में भी आता है, रिमिक्स की बातें आती हैं, बहुत सारे गाने हिंदी में गाए जा रहे हैं, हिंदी में गाने के बाद हिंदी गानों के वर्जन का पहाड़ी गाने बनाए, तो वो तो शायद संस्कृति, मुझे नहीं लगता कि वो संस्कृति उससे बचाई जा सकती है। आप पुराने गानों को पुराने गाने के अंदाज में गाइए और नए गानों को उस तरीके से गाइए कि जिससे कि आप, हम वीडियो में अगर बात करूं मैं, वीडियो से भी संस्कृति बचाई जा सकती है कि आप वीडियो में ऐसे परिवेश दिखाएं जहाँ आप परिवार के साथ अपने गानों को देख सकें। बहुत सारे गाने ऐसे आ चुके हैं आज के समय में, शायद हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर भी, जो शायद परिवार के साथ देखना मुश्किल से होने लग गए हैं, काफ़ी गाने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपनी संस्कृति के लिए काम कर सकते हैं। देखा गया कि उत्तराखंड में भी आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो उनके लिए क्या कोई अच्छा सा एक गीत सुनाना चाहोगे? देखिए, यहाँ उत्तराखंड जौनसार, गढ़वाल, कमाऊँ,
सब जगह पे जाने का मौका मिल रहा है, लोग बहुत प्यार करते हैं और यहाँ के लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया है मुझे। ये वही धरती है जहाँ पर आज मैं 5 अक्टूबर 2022 की अंतिम सांस्कृतिक संध्या के लिए आया हूँ लखवाड़ में। ये वही जगह है जहाँ पर मुझे सबसे पहले लखवाड़ के लोगों ने बुलाया था, यानी कि उत्तराखंड के लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया हिमाचल प्रदेश से बाहर बुलाकर कि किसी बाहर के कलाकार को बुलाया जाए। और जब मैं यहाँ पर आया और यहाँ उत्तराखंड में जब गाना शुरू किया तो उत्तराखंड के लोगों ने मुझे अपना बच्चा समझ के हमेशा के लिए ऐसे जैसे उत्तराखंड का ही कलाकार बना के रख दिया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इनके लिए अगर मैं गाना गाना चाहूँ तो बिशदी लगे बिमला तो बैठू अलपी गाड़ी माँ, अरे नजर लगाई ड्राइवर है डिस्को साड़ी माँ, तेरी डिस्को साड़ी माँ पिंक टापूंगा। तो इस तरह के गाने बहुत सारे, तेरे कानों रे झुमके सही पकड़े हैं, बहुत सारे गाने और शाम को आज गाएंगे सारे गाने। और अभी हम लोग मैं आज ही हिमाचल प्रदेश जहाँ मेरा गांव है छाजपुर वहाँ से आया हूँ, चकरौता होते हुए, चकरौता की खूबसूरत वादियों को देखते हुए, बहुत खूबसूरत जगह है जो वादियाँ बीच में आती हैं, नागथाट होते हुए अभी हम लखवाड़ पहुँचे और बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर अरेंजमेंट जो किया हुआ है लखवाड़ के लोगों ने, यहाँ की कमेटी ने, तरुण संकट लखवाड़ की कमेटी ने, और तब से लेकर के अब तक के जितने भी अध्यक्ष रहे उनका भी मैं धन्यवाद हूँ। खासतौर पर इस वक्त के जो अध्यक्ष अभय चौहान जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू।